तो उसके पीछे इतने आदमी नजर रखे, क्यों कोर्ट कचहरी रुकते है ये? इस अपराधी को तो तुरंत मारने चाहिए। आपका बेटा है तो क्या करूंगा मैं? बेटा ऐसे क्या मरूंगे उसके चक्कर में? हम सब परेशान हो गए ना उसके मारे तो, समाज में जैसे जिएंगे हम बताओ आप? जो जिंदगी बची वो तो उसके खाद कर रखते हैं, हमारी जिंदगी कैसे रहेंगे बताओ? किसको मुंह बताएंगे, किससे बात करेंगे, किसको जवाब देंगे? हम तो कोई पूछेगा तो? ऐसे आदमी को जीने का कोई अधिकार नहीं समाज के अंदर। घटना जो भी हुई है ये अच्छी नहीं हुई है, बहुत घिनौनी हरकत है ये, ऐसा होने नहीं चाहिए किसी के भी साथ में, बेटी किसी की भी हो, ये तो मानव की है ना, किसी भी धर्म की बेटी है वो, हमारी बेटी है वो, मेरी भी बेटी होती तो मैं क्या करता, यही बोलता मैं कि उसको सजा देनी चाहिए। वही अगर गलती नहीं करी है उसने तो भगवान भोलेनाथ तो हमको विश्वास है वो बाहर आएगा, और अगर गलती करी है तो उसको सजा मिलनी चाहिए और फांसी होनी चाहिए, ये मेरी मांग है। चाहे बेटा किसी का भी हो, मैं भी अगर होता तो मुझे भी यही सजा मिलनी चाहिए। पहले भी अपराध रहे हैं क्या? पहले लड़ाई झगड़े के है इसके, दो एक अपराध है इसके, लड़ाई के है, बाकी ये ऐसे कोई अपराध हमारे समाज में किसी ने नहीं किया ऐसा, न कभी हुआ ऐसा। कल से हमारा तो रो रो के परेशान हो रहा है हम तो, न रोटी खाना न कोई पीना, ऐसी कैसी हमारी रोटी सब्जी फेंकी हमने, चाय पी के काम चला रहा है हमारा, अच्छे से हम कमाते थे, अच्छे से हम खा रहे थे, बाकी ये ऐसा कोई बवाल आया जो हमारा सब छीन गया, हमारा सब कुछ छीन गया, कहीं के भी नहीं दिए हम तो। परिवार से दूर की बात है सर, हम बाहर निकलते तो हमको शर्म आती है। नहीं अभी शादी की चल रही थी सर, इसके बाद मेरा लड़का एक छोटा सा शांत हो गया, उसको 8 महीने हुआ है, तभी मैं इसकी शादी कर देता दो ही की। हाँ बातचीत चल रही थी हमारी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं दिखा हमारे को, अगर कुछ भी होता तो चेहरे पे कुछ उदास आती, या समय पे रोटी नहीं खाता, या समय पे नहाता नहीं, समय पे निकलता नहीं, या ऑटो नहीं चलाता, अगर भग जाता ये तो, ये हमको पूरा विश्वास है 100% कि अगर ये अपराधी होता तो भग जाता सर ये। हाँ अपराधियों का साथ जरूर दिया होगा इसने, ये इतना मैं मानता हूँ मैं, बाकी अपराध इसने किया नहीं कुछ, और किया तो दंड मिलेगा इसको, सजा मिलना चाहिए इसको। नहीं अगर अगर उसने अपराधी वास्तविक में किया है और साबित अगर होता है तो उसको फांसी होनी चाहिए, या कोई भी हो। आपको कैसा लगेगा अगर फांसी होती तो? आपको कैसा लगेगा? अरे पर इससे तो बच जाएंगे हम, दाग से तो बच जाएंगे, गुनाह किया तो एक ही चक्कर रो लेंगे ना, रो के हम बार बार का तो रोना नहीं होगा, समाज में रहना है तो कैसे रहेंगे हम, समाज के अंदर क्या जवाब देंगे हम? मेरे छोटे छोटे बच्चे है, बहु होनो है, बच्चे पोता पोती है, हम कहाँ जाएंगे हम अगर ऐसी हरकत हो जाएगी तो? अभी सरकार हमको भगाएगी तो कहाँ जाएंगे हम, कहाँ जाएंगे बताओ आप? सरकार अभी मकान तोड़ रहा है, हमारा तो मकान टूट जाएगा तो हम तो कहीं के नहीं रहे फिर, क्योंकि हम मरने के सिवा कुछ नहीं बचा हमारे पास में, एक तो गया ही सही, बाकी हमारा भी यही होना फिर। अरे दुख क्यों नहीं होगा भाभी जी, हमको चाटा मार दे, कोई हाथ काट दे तो इतना दुख नहीं होता जितना दुख हो रहा है हमारा, मालूम है आपको? हाँ हमारे दो हाथ भी काट देते हम सहन कर लेते, ये सहन नहीं हो रहा भाभी जी, हम बता नहीं सकते आपको कि हमको कितना दुख हो रहा, बहुत दुख हो रहा भाभी जी, हम किसको बताएं हमारा दुख। अरे बाकी हरकत जो हुई है इससे बहुत गलत हरकत हुई है भाभी जी, बेटी किसी की भी हो, मेरी भी बेटी होती तो मैं क्या करता, मैं भी यही बोलता, अच्छा नहीं हुआ ये, किसी की भी है बेटी तो है, इंसान है ना वो, तो उसके साथ में किसी की बेटी के साथ में क्या कुछ भी कर लोगे क्या? तुम्हारी मन मर्जी चलेगी, कथा नहीं होना चाहिए भाऊ जी, किसी के भी साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए, और अपराधी को तो अपराध की सजा मिलनी चाहिए, ताकि अगला ही चक्कर अगर कोई अपराध करने का सोचे तो 50 चक्कर सोचेगा वो,